सत्य की तलाश हुई पूरी, मिल गई उसको दामिनी, मगर आर्य का क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये कहानी जो दबंगी की शुरू हुई है दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आप सब लोग देख रहे हैं और आज का एपिसोड भी आपने देखा होगा, जिस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा जो है ट्विस्ट एंड टर्न्स है। एक तरफ सत्य जो है परेशान है, और ये परेशानी सिर्फ उसके ही लोग जानते हैं कि ये दामिनी को बुरी तरह से ढूंढ रहा है, और दामिनी परेशान है कि उसे सत्य के हाथ नहीं लगना है, और आर्या परेशान है कि उसको सोलापुर नहीं छोड़ना है। तो ये तीनों जो एक ही धागे से बंधे हुए लोग हैं, तीनों अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे से ही परेशान है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं इस एपिसोड पे चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये धारावाहिक दबंगी बच्चों को ही दर्शाता है। दबंगी जो आर्या है, जो अपने पिता की तरह ही है, बिंदास, बेधड़क, निडर, मगर पॉजिटिवली। पिता तो गुंडे हैं, मवाली हैं और किसी को भी मार देते हैं, मगर आर्या ऐसी नहीं है। एक ये बच्चा, दूसरा जो सत्य ने उस जो लेडी है उसके साथ रहती है, घर में ही रहती है, उसके जरिए एक बच्चा है जो बहुत क्यूट है, भोला है, प्यारा है, मगर उससे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बच्चा निडर हो, बेधड़क हो और दर्द सहना जानता हो, यानी कि आर्य जैसा हो। ये सत्य की डिमांड है उस बच्चे से, अगर वो बच्चा ऐसा नहीं है तो वो बेकार बच्चा है। तो वो बच्चा इस रिलेशनशिप में पिस रहा है, क्योंकि माँ तो बच्चे को पूरा आइस लगा रही है, क्योंकि उसका हाथ जलता है, उसको केयर करती है, मगर यहां पे सत्य उसको क्या कहता है कि तुमने इस बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं की है। ये बच्चा तो दर्द ही नहीं सह सकता, ये तो डरता है, डरपोक है, ये तो कुछ इस तरह की बातें कहता है। तो यहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन दिखती है बच्चों की, क्योंकि सत्य अपने बच्चे को चाहता है दबंगी जैसा, आर्य जैसा, मगर होना वो लड़का चाहिए, और उसको पूरी तरह से श्योरिटी है कि मुझे बेटा ही पैदा हुआ है, इसलिए वो दामिनी को ढूंढता फिर रहा है। दामिनी से उसका सिर्फ एक ही है कि ये गवाही नहीं दे, इसलिए ढूंढना है, और इसके जरिए मुझे अपना वारिस भी ढूंढना है जो उस समय इसके पेट में था। अब इसी बीच में अंकुश का रोल भी बहुत अच्छा है। अंकुश दामिनी से जो है नाराज है कि वो चली क्यों गई, मगर यहां पे अंकुश दामिनी की जगह पे नहीं समझ पा रहा, उसको ये बार बार गुस्सा आ रहा है कि दामिनी ने मुझ पे भरोसा क्यों नहीं किया। अंकुश के पिता कहते भी हैं कि दामिनी प्रेग्नेंट थी, उसको जो सही लगा उसने किया, और वही बात सही है कि वो वहां पे दामिनी के सामने अंकुश को मार पड़ रही थी। अगर अंकुश को कुछ हो जाता तो दामिनी उसके लिए भी अपने आप को माफ नहीं करती, और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो भी प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी, इसलिए उसे वहां से भागना ही ठीक लगा। अब भागने के बाद भी उसको चैन कहां है, क्योंकि ये बंदा तो छूट गया। अब उसने पहला अपना जो रैली है इलेक्शन की, जो भी हो रहा है सत्ता के लिए, वो वहीं पे रखी सोलापुर में, और आर्य जो है अपने दोस्त के साथ भाग गई है, क्योंकि उसको अपने बाबा की तलाश करनी है। और बड़ी निडर बच्ची है भाई, बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो एक रात पूरा खेत में रहती है। अब यहां पे जो हमने कमी कप में देखा है कि जो गाड़ी से टकराई है दामिनी, वो गाड़ी सत्य की है, और जो ये दर्शाता है कि सत्य को दामिनी मिल गई है, अब वो उसको पकड़ पाता है, ले पाता है, उसको कैसे करता है, या फिर सिर्फ हमें कमिंग अप में दिखाया गया, ये तो आने वाला एपिसोड बताएगा। मगर दामिनी अगर सत्य को मिल भी जाती है और दामिनी नहीं बताती है कि आर्य कहां है, तो दामिनी बची रहेगी, जुल्म होंगे, सब कुछ होगा, मगर फिर दामिनी ही अपनी मां को भी बचाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो दामिनी सत्य के हाथ आएगी, हो सकता है देख लिया हो सत्य ने, हो सकता है ना देखा हो, क्योंकि अभी तो दामिनी अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाने में ही लगी हुई है, और बेटी वैसे ही स्ट्रांग है, तो बेटी को उसके बाबा तो मुझे लगता है नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि ये अगर बाबा मिल गए
तो बेटी का मन बुरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि ऐसे बाबा की उसने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। जो बाबा उसकी कल्पना में आते हैं, जैसे कि रणवीर सिंह की हमने देखी, वो ट्रेलर दिखा रहे थे साथ साथ, जब दबंगी इतने अच्छे से इतना प्यार से अपने बाबा की एक्टिंग करके दिखा रही थी, जो पूरा सीन रणवीर सिंह की फिल्म का था जो कि सिम्बा फिल्म थी, और वो यहाँ पे कौन दिखता है उसके बाबा की तरह, अंकुश। तो आगे बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि मजेदार होने वाला है ये दबंगी सीरियल, आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि काफी चीजें हैं जो इसमें सीखने वाली हैं और काफी चीजें हैं जो नहीं सीखने वाली हैं। तो जो नहीं सीखना होता है उसमें भी हम सीखते ही हैं, डोंट वरी। तो बताइएगा कैसा लगा आपको, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।